आखिरी सुबह के जिक्र की मजलिस हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपने कर्म से फजल से तौफीक दी, हम आते रहे, जिक्र में बैठते रहे। लेकिन आज का मजलिस जो है बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो जो जिक्र भी करें तो ये समझ के करें कि रमज़ान, पता है फिर नसीब हो ना हो, ये घड़ी आए ना आए, बहुत दूर है रमज़ान। तो ये ज़िंदगी की आखिरी रमज़ान की मजलिस जिक्र की हो सकती है। तो इसलिए इस जिक्र में जो कलमात पढ़े जाएं बहुत ही दिलजीजी और हुज़ूर कल्ब के साथ उनको पढ़ें। और ख़ास तौर पर एक चीज़ कि जो दुआ आज मांगनी है, और यही समझें कि ज़िंदगी की आखिरी दुआ है रमज़ान की, इसके बाद अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन मांगे इसी तरीके से कि कोई पता नहीं ज़िंदगी का, ये मौका हाथ से न जाने दें। और इसमें बहुत ही अल्लाह के हजूर में अपनी दुआओं को पेश करें, हाजात को पेश करें। और टॉप ऑफ लिस्ट जो दुआ आप रखें वो दुआ होनी चाहिए अल्लाह से माफ़ी की, कल्ले माफ़ फरमा दें। लेकिन माफ़ी के अल्लाह ने वसूल रखे हैं, खालिस दुआ मांगने से अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, उसी के बनाए हुए वसूल हैं। उसका फजल और करम है कि वो हमें इतने गुनाहों के बावजूद भी मौका दे रहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बहुत बड़ा मौका है, ये सिर्फ रहमान और रहीम ही कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े जुर्म हमारे, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। किसी कौम को अल्लाह ने इस तरह माफ़ नहीं किया, वो नाज़ा भी ना आते उन पर। माफ़ी ये होगी कि हम अपने गुनाहों को समेटें, अल्लाह के हजूर में हाजिर हों और उससे इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला, मैं नहायत ही गुनाहगार आदमी हूँ। ये तो सब फिक्र हम कहते हैं दुआओं में, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं फलाऊँ, बिल्कुल ठीक है, है तो तभी तो हमारे उसके कोर्ट के अंदर खड़े हैं, उसके दरबार में हम खड़े हैं, इसलिए तो खड़े हैं। जैसे एक मजिस्ट्रेट के दरबार में हम जाते हैं और जाने के बाद हम इकरार जुर्म कर लेते हैं, कहते हैं जी हमें माफ़ कर दें, नहीं माफ़ कर दें, क्या फिक्र होता है मजिस्ट्रेट साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं वादा करता हूँ आंदा नहीं करूँगा। तो मजिस्ट्रेट कहते अच्छा वादा है आंदा तो नहीं करेगा, नहीं, कहता जा मैं तुझे माफ़ करता हूँ इस दफ़ा। तो ये वो अदालत है जो सबसे बड़ी अदालत है और रहम से भरी अदालत है। यहाँ भी उसके हजूर में जब हम पेश होंगे, आज हो रहे हैं, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैंने गुनाह किए हैं, आज माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, ये तब होगा माफ़ी। हमें अपने गुनाहों को समेटना है, अल्लाह की हजूर में हाजिर होना है और उससे पक्का वादा करना है। तोबा के तीन शर्तें हैं कि अल्लाह ताला मैं पक्के दिल से वादा करता हूँ कि ये गुनाह मैंने किए हैं, नादिम हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आंदा नहीं करूँगा। और तीसरी शर्त कि इसी वक्त उन गुनाह को छोड़ता हूँ तो अल्लाह फौरन सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब खाली दुआ से मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ कर दे, मैं बड़ा, आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाएं, आप कहें जी बड़ा मुजरिम हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, फलाऊँ, कहते ठीक है तभी तो तुझे आया है, लेकिन तुझे माफ़ तो किया जाएगा, लेकिन तुझे दोबारा अगर तू करे, कहते हम नहीं करूँगा। फ़र्क उस अदालत में और अल्लाह की अदालत में यह है,
कि पक्की आज हम अल्लाह से वादा करके जाएं, तौबा का तरीका ये है, खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा। फिर क्या है अल्लाह की अदालत में, क्या है वो गफूर रहीम है कि फिर हमसे नफ्स ने गुनाह करा दिया, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद फिर हराम खिला दिया, फिर फजूल बात में हम चले गए, तो वो गफूर रहीम ऐसा है कि फिर भी हम उससे माफी मांग सकते हैं और माफ कर देगा। लेकिन तरीका यही होगा, उसने दरवाजा बंद फिर भी नहीं किया। लेकिन आज की माफी जो होगी इसको जाया ना करें, ये ना समझें कि इतने लंबी दो दो तीन तीन घंटे में दुआ मांगने के बाद फारिग हो गए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुरान बड़ा पड़ा है जिन कौमों पर अजाब आए, लूत की कौम को देखें, शुएब की कौम को देखें, अगर ऐसे होता तो अंबिया कह रहे थे उनके लिए, अंबिया साथ थे, तो अल्लाह ने कसूर रखे, आओ अपने जुर्म का एतराफ करो और अपने रब से वादा कर लो मैं नहीं करूंगा, तो ये मेरा कम करम है कि मैं तुम्हें जहन्नुम से निकाल दूंगा, ये है। तो आज इस चीज़ की आखिरी घड़ी है दोस्तों, मैंने इसलिए अर्ज कर दी आपसे कि ड्रामा नहीं चलता अल्लाह के हजूर में, पीछे 10,000 घंटे लगा दें आप दुआएं मांगने में, अरबी में बोलें, फारसी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, वो सब जबान जानते हैं, काम नहीं चलेगा। 3 मिनट में हमारा फैसला हो जाएगा, 3 मिनट में, अल्हम्दुलिल्लाह घंटों की 3 मिनट में। हर आदमी इंफरादी तौर पर अपने गुनाहों को समेटे, और जिक्र की मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह है इसलिए कि अल्लाह और रहमत की तवज्जो होगी अल्लाह की तरफ हमारी, तो जब भी तो कहते हैं अगर मांगने वाला हो तो मैं दूं, आपको मांगे तो सही तौबा मुझसे, मैं तो गफूर हूँ और फिर रहीम भी हूँ। गफूर मतलब क्या है कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा, तो माफ़ी तो मांगो, नहीं ये अल्लाह ताला तो बस माफ़ कर दे अल्लाह, यानी हम इस जुर्म भी करते रहने और तू हमें माफ़ कर दे, सुभान अल्लाह। ये तो इतनी बड़ी अदालत की बहुत बड़ी हदक है, बहुत बड़ी हदक है, डिस्ग्रेसफुल बात है। एक मजिस्ट्रेट के सामने आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े और कहें कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं ये गुनाह करूँगा, वो कहेगा डबल सजा दो, कंडम कोर्ट लगाओ उस पर, लॉजिक है बात में नहीं है। तो इतनी बड़ी अदालत में खड़े हैं ऐसी बात करें, नहीं उससे वादा करें कि आंदा अल्लाह ताला मैं नहीं करूँगा, और उसने इतनी बड़ी एक रास्ता रखा है कि अगर गलती फिर हो जाए तो फिर आ जाना, माफ़ कर दूँगा। उम्मीद है आप साथ ये बात समझे होंगे, तो जिक्र के बाद जब दुआ मांगें तो उसमें सबसे पहले दुआ यही, अल्लाह से माफ़ी मांगे, आज आखिरी ये दिन है, आखिरी घड़ी है, अल्लाह करे नसीब हो जाए हमें एक और रोज़ा, लेकिन मुमकिन है कि आखिरी रोज़ा हो, तो जो रमज़ान में खाली हो गया, देखें कुरान तलावतें सजूद सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल है अल्लाह की नज़र में, लेकिन टॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट जो रमज़ान है सिर्फ एक काम के लिए है, और वो है कि बंदा मैं आज तुझे माफ़ करने को चाहता हूँ, और तू माफ़ी मांग मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो जिसकी माफ़ी होगी उसका कुरान भी कबूल, उसकी नमाज भी कबूल, उसका सजूद भी कबूल, जिसकी माफ़ी नहीं हुई अल्लाह सब कुछ हमारे मुँह पर मार देगा कि अपने रब को राजी नाराज करके तू चीज़ें लेना चाहते हैं मेरे रब से, मैं तुझे कैसे दे दूँ। यहाँ एक चीज़ मैं अपने ज़ौक के मुताबिक आपसे कह देता हूँ कि हम हैं बहुत कमज़ोर, बहुत सब गुनाहों में जकड़े हुए हैं, आसमान से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे गुनाह ही गुनाह हैं, और बहुत मुश्किल लगता है गुनाहों को छोड़ना, इन आदात को छोड़ना, इस हालात को छोड़ना। तो अपने ज़ौक के मुताबिक बात कर रहा हूँ, हदीस नहीं है, अल्लाह यहाँ अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, इस मामले अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसी से भी बख्शिश हो जाएगी। वो क्या बात है, वो बात ये है कि भाई ठीक है अल्लाह हमें जानता है कि एकदम मैं कहूँ अल्लाह ताला सारे गुनाह छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पता है हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो इसके लिए कम से कम इस रात का एहतराम करते हुए, अल्लाह ताला की कोर्ट का एहतराम करते हुए एक गुनाह ज़रूर सिलेक्ट कर लें छोड़ने के लिए, सुभान अल्लाह, एक गुनाह तो सिलेक्ट कर लें कि ये गुनाह मैं इंशाल्लाह ज़रूर छोड़ूंगा, उसको एक भी हम पेश कर दें अल्लाह के दरबार में, अल्लाह ताला मैं चलो सारे तो नहीं छोड़ सकता, कोशिश करूंगा छोड़ने की, लेकिन एक गुनाह जो है पक्का कह रहा हूँ आपसे कि ये मैं इंशाल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह इस पर भी बख्शिश हो जाएगी। आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट, एक गुनाह लेने कोई भी ले लें, झूठ है, चोरी है, नज़रबाजी है, जो भी आप समझते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद अल्लाह ताला सारे को इंशाल्लाह कोशिश, लेकिन एक का पक्का वादा, इस वादे में तू मेरी बख्शिश फरमा अपने रहमत से,
तो कम से कम ये रमज़ान हमारा ज़ाया नहीं होगा दोस्तों। तो ये मैं चीज़ अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मैं भी एक गुनाह की तरफ आऊँगा, मैं तो खैर आपसे बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ और सियागार हूँ, तो मैं भी कोई गुनाह सेलेक्ट करूँगा दुआ के अंदर अपने, और उस गुनाह को अल्लाह के हुज़ूर पेश करूँगा कि इस गुनाह के सदके हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे। लेकिन दिल में ये भी रखेंगे कि अल्लाह ताला सारे हम इंशाल्लाह गुनाह छोड़ेंगे, ये भी कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्मीद है छोड़ेंगे सारे, लेकिन एक गुनाह हम तुझे पेश करते हैं जिसका हम तुझसे वादा करते हैं पक्का कि कल से नहीं होगा वो काम, कल से वो काम खत्म, हमारी जिंदगी से निकल गया वो काम जो मैं करता था, करना चाहिए ना दोस्तों। फिर तोबा हो जाएगी, फिर दुआ मांगे अल्लाह के यहाँ, फिर गिड़गड़ाएं घंटों गिड़गड़ाएं, तो उस पर दराजात बुलंद करते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे वापस आता।